नमस्कार, आज हम चैप्टर 15 शुरू करेंगे गौचिलियों का, जिसमें हम भूमध्य क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र कौन से हैं। तो अगर हम 0 डिग्री से शुरू करें या भूमध्य रेखा से शुरू करें, तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, उसके बीच के क्षेत्र में हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है इक्वेटोरियल जोन या भूमध्य प्रदेश, दूसरा है गर्म हिस्सा। जो गर्म हिस्सा है उसको हम 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, एक है रेगिस्तान, एक है सूडान और दूसरा है मॉनसून। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उसके परे अगर हम देखें, तो जो अपने शीतोष्ण क्षेत्र हैं, वो शीतोष्ण क्षेत्र 2 तरीके से विभाजित किए जा सकते हैं, एक है गर्म शीतोष्ण और एक है शीत शीतोष्ण या कोल्ड टेम्परेट। जो गर्म क्षेत्र हैं उनको वापस से हम 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। जो पश्चिमी इलाका है वो होगा मेडिटेरेनियन, जो पूर्वी है वो है चाइना टाइप, और जो बीच में है, जो दोनों के मध्य में है, वो है स्टेपीज। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है MSC मेडिटेरेनियन स्टेपीज और चाइना। जो चाइना है वो पूरब की तरफ आएगा, जो मेडिटेरेनियन है वो पश्चिम की तरफ आएगा। जब हम शीत शीतोष्ण क्षेत्रों की बात करते हैं, कोल्ड टेम्परेट रीजन्स की बात करते हैं, तो हम वापस 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है ब्रिटिश टाइप, जो मध्य क्षेत्र है वो है साइबेरियन, और जो पूर्वी क्षेत्र है उसको हम लॉरेशियन बोलते हैं, और आखिर में आता है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र या कि पोलर रीजन्स, जो कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा होगा आर्कटिक सर्कल और आर्कटिक रीजन, और दक्षिणी गोलार्ध में होगा अंटार्कटिक रीजन। तो इस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों में विश्व को विभाजित करते हैं। अब हर क्षेत्र के बारे में हम अलग अलग क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। आज जो हम करेंगे वो है इक्वेटोरियल क्षेत्र या भूमध्य प्रदेश। अगर हम इस ग्लोब को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पाएंगे 0 डिग्री की लाइन। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इस 0 डिग्री की लाइन पे अगर हम चलेंगे तो ये सारा इलाका होगा भूमध्य प्रदेश। भूमध्य प्रदेश में आपका 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 10 डिग्री उत्तर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो हिस्सा है वो सब भूमध्य क्षेत्र में आता है। तो अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पर क्या आता है, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे प्रदेश आते हैं। फिर हम इधर अगर आ जाते हैं तो आता है आपका अमरीका, दक्षिण अमरीका, दक्षिण अमरीका में आएगा आपका ब्राज़ील, यूकेडोर, कोलंबिया, खासकर से ये 3 प्रदेश। और फिर जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में ज़्यादातर क्षेत्र कौन से हैं, ज़्यादातर हमारे आएंगे कॉन्गो के रीजन। तो ये 3 जगह मुख्य हैं जो कि हम भूमध्य प्रदेश में समझेंगे। अब सबसे पहले भूमध्य प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो जब हम बोलते हैं क्षेत्रों के बारे में, हमने समझा 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण की तरफ तक ये रीजन रहता है, ये क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र का विस्तार होता है। अब उस क्षेत्र में 10 डिग्री की तरफ ट्रेड हवाएं या व्यापारिक पवन प्रबल हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो मानसून है वो प्रभावित होता है, और मानसून प्रबल होने की वजह से वहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो जो भूमध्य प्रदेश है उससे थोड़ी सी विभिन्न होती हैं। जैसे कि हम रेनफॉल की बात करेंगे या वर्षा की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी विभिन्न होगी जब हम ट्रेड विंड या मॉनसूनल क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं तापमान या टेम्परेचर। सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि इन क्षेत्रों में, जो भूमध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इनमें तापमान में एकरूपता रहती है, मतलब यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम से कम होती है। तो हम कहते हैं 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो जनरली ये होता है 0.7 डिग्री से 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का इसका रेंज रहता है या विस्तार रहता है। अब जब हम भूमध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भूमध्य प्रदेश में 2 तरीके की चीज़ें हम समझेंगे। एक तो जो
जमीनी प्रदेश है वो, और एक जो पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों का एक एग्जांपल है बोगोटो बोगाटा जो कि आपका कोलंबिया में है, और प्लेन इलाकों का एक एग्जांपल है वो है कुआलालंपुर जो कि आपका मलेशिया में है। अब इन दोनों ही जगहों पर तापमान में एक रूपता या समानता पाई गई है। दोनों ही जगहों पे तापमान का जो विस्तार है वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं है। सबसे कम विस्तार क्यूटो में देखा गया है जो कि यूकेडोर में है, और वहाँ पर 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान में विस्तार माना जाता है। अब दूसरी प्रमुख चीज़ ये है कि तापमान को नियंत्रित कैसे किया जाए। तापमान को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ें हैं। पहला तो है जो ज़मीनी हवाएं और समुद्री हवाएं चलती हैं, लैंड और सी ब्रीज की जो हम बात करते हैं, उसके कारण तापमान नियंत्रित रहता है। और दूसरी जो प्रमुख चीज़ है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर बादल बनते हैं और बादल की वजह से बारिश रहती है। तो बादल और बारिश जो कि रोज़ होती है यहाँ पर, जिसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं जो कि हम आगे समझेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर तापमान नियंत्रित रहता है और तापमान में एकरूपता रहती है। अब यहाँ पर वर्षा कितनी पाई जाती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिस महीने में सूखा रहेगा, तो 12 महीने बारिश रहती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो कुल वर्षा है वो 60 से 100 इंच तक की नापी गई है। जो अधिकतम वर्षा है वो इक्विनॉक्स के टाइम होती है, और जो न्यूनतम वर्षा है वो सॉलिस्टस के टाइम होती है। अब इक्विनॉक्स और सॉलिस्टस क्या है ये हम समझ लेते हैं। इक्विनॉक्स वो हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, जो मार्च और सितंबर के महीने पर पड़ता है। तो इक्विनॉक्स के बाद के महीने मतलब अप्रैल और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा वर्षा रहती है, और सबसे न्यूनतम वर्षा रहती है जून और दिसंबर में। अब अगर हम इसको एक ग्राफ पे बनाना चाहें तो हम वर्षा को बार ग्राफ से दिखाते हैं। तो अगर हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो इस बार ग्राफ की विशेषता क्या होगी? इस बार ग्राफ में 2 बार ये सबसे ऊंचा जाएगा, क्योंकि भूमध्य प्रदेश ही ऐसे अनोखे प्रदेश हैं जहाँ पर साल में 2 बार सबसे ज़्यादा वर्षा का पीक पाया गया है, या सबसे ज़्यादा वर्षा पाई गई है, जो कि अप्रैल और अक्टूबर में होती है इक्विनॉक्स के एकदम बाद में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर समझने की ये है कि जैसा कि हमने देखा तटीय इलाकों में मॉनसून का प्रभाव आने लगता है 10 डिग्री के परे। तो जब मॉनसून का प्रभाव आने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे कि जून जुलाई और अगस्त में वर्षा अधिकतम रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर में हम देखेंगे तो दिसंबर जनवरी और फरवरी में वर्षा अधिकतम रहती है। तो ये आपके मुख्य महीने हैं जब वर्षा रहती है। अब वर्षा यहाँ पर 3 तरीके से होती है, जो वर्षा के 3 खास प्रकार पाए गए हैं, एक चक्रवाती वर्षा, एक ओरोग्राफिक वर्षा या रिलीफ रेनफॉल जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा मतलब कन्वेंशनल रेनफॉल, दिन भर में बहुत गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ के बादल बने, बादल बन के वर्षा हुई, तो ये क्या हो गया? संवहनी वर्षा या कन्वेंशनल रेनफॉल। अब इन इलाकों में हर दोपहर को खूब तेज़ बारिश होती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक दोपहर में उतनी बारिश हो जाती है जितनी कि रेगिस्तान में पूरे साल भर में होती है। तो यहाँ पर आप वर्षा का अनुमान समझ सकते हैं कि वर्षा कितनी ज़्यादा रहती है इन इलाकों में। दूसरा है ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल वो रेनफॉल है जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो जब पहाड़ के एक तरफ बादल टकराएगा तो एक तरफ वर्षा होगी, इस तरफ वर्षा हो गई, अब जब बादल इस तरफ दूसरी तरफ आया तो इस तरफ क्या रह गया? सूखा रह गया, तो वर्षा नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल। और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, तो जो कम दबाव के क्षेत्र होते हैं, ज़्यादा दबाव के क्षेत्रों से उधर हवाएं आती हैं, और कम दबाव के क्षेत्रों पे हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ विंड, या सारी हवाएं उस तरफ सम्मिलित हो जाती हैं और यहाँ पर बारिश होती है। तो ये बारिश जो होती है इसको चक्रवाती वर्षा कहा जाता है, और ये डोलड्रम्स में ज़्यादातर पाई गई है जो कि उस क्षेत्र का हिस्सा है।
अब अगर हम देखें तो दूसरी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है और इन क्षेत्रों में कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वनस्पति किस तरीके से आती है। वनस्पति में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वनस्पति में विविधता बहुत पाई जाती है। तो आपको यहाँ पर हार्डवुड मिल जाएगा, जो दृढ़ लकड़ी जिसको कहा जाता है, जैसे एबनी और महोगनी, ये सदाबहार होते हैं। सदाबहार मतलब इन क्षेत्रों में कभी भी आपको एक मौसम ऐसा नहीं होगा जब पुष्प या फूल खिल रहे होंगे, सारे सीजन में पूरे 12 महीने आपको अलग अलग पेड़ों पे अलग अलग फूल दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे तरह की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति में विविधता बहुत है। तो किसी में फूल जनवरी में आएंगे तो किसी में फूल मार्च में आएंगे। तो इस तरीके से पूरे साल यहाँ पर सदाबहार वन रहते हैं। फिर छोटे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, फिर लियानास पाए जाते हैं। लियानास क्लाइंबिंग ट्रीज जिनको बोलते हैं, मतलब वो अपने सहारे नहीं होते, वो परजीवी होते हैं, वो दूसरों के सहारे पेड़ों पे चढ़ते हैं, तो उनको क्लाइंबिंग ट्रीज या लियानास कहते हैं। और फिर फर्न, ऑर्किड्स और ललांग पाई जाती हैं। ललांग मतलब ऊंची ऊंची घास जो पाई जाती है, उसको ललांग कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ पेड़ तो बहुत ऊँचे हो जाते हैं, कुछ पेड़ छोटे रह जाते हैं, और जो नीचे ही नीचे की घास होती है जिसको हम अंडरग्रोथ कहते हैं, वहाँ तक रोशनी पहुँच नहीं पाती, पर फिर भी वो बहुत घना जंगल बना देती है। तो ये तरह की जो घास यहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं टॉलरेंट शेड प्लांट्स, या जो बिना धूप के भी उग सके उस तरीके के घास पाई जाती है। अब एक और जो खास बात यहाँ पर वो है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी एक प्रजाति का पेड़ एक साथ नहीं पाया जाता। जैसे अगर मुझे महोगनी वृक्ष चाहिए तो मुझे महोगनी वृक्ष बिखरे हुए मिलेंगे पूरे जंगल में। अगर मैं दूसरे तरीके के वन देखूंगी, जो हम क्षेत्र देखेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें अगर महोगनी है तो महोगनी एक साथ पाए जाएंगे। अगर मुझे महोगनी काटना है तो मैं उन सबको एक साथ काट सकती हूँ, पर यहाँ पर अगर मुझे काटना है तो मुझे पूरे जंगल में घूमना पड़ेगा, तो मुझे 3-4 महोगनी मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विविधता बहुत है, होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा नहीं है। तो लकड़ी काटना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इसको बोले कि इसका वाणिज्यिक शोषण करना, तो वाणिज्यिक शोषण करना इसका बहुत ही मुश्किल है। जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा, ये जो लकड़ी होती है, ये जो हार्डवुड है, ये बहुत भारी होती है, इसकी वजह से ये पानी के सहारे नीचे तक नहीं आ पाती। जब हम जो अगली क्लास है उसमें देखेंगे, जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि लकड़ी किस तरीके से बहके नीचे आती है, और बर्मा में ये बहुत ही कॉमन है। पर यहाँ पर क्योंकि लकड़ी बाहरी होती है, उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत महंगा पड़ जाता है, इसीलिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वो लकड़ी के सबसे बड़े आयातक हैं। दे आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ टिम्बर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लकड़ी काटना बहुत मुश्किल है, और लकड़ी क्योंकि भारी होती है, पानी के साथ बह के नीचे नहीं आ सकती, वहाँ पर लकड़ी होने के बावजूद भी लकड़ी का उपयोग नहीं हो पाता है। और फिर तीसरा है वन स्पष्टता। तो पहला चीज़ तो लंबरिंग, जो लकड़ी काटने की प्रक्रिया हम बोलते हैं, और दूसरा है स्थानांतरण खेती। स्थानांतरण खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? मैंने एक जगह पे पेड़ उगाए, यहाँ से काट के मैं अगले हिस्से पे चली गई। अब इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो चुकी है, उसी वजह से मैं अगली मिट्टी पे चली गई हूँ या अगले ज़मीन पे चली गई हूँ। 2-3 साल बाद मैं वापस इस ज़मीन पे वापस आऊँगी, और तब तक यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो चुकी होगी। उपजाऊ होने के कारण मैं यहाँ पर वापस से खेती कर सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो कि भूमध्य क्षेत्र में देखा जाता है। अब मलेशिया के कुछ जंगल में बेलाकूर नाम की पद्धति है जो प्रचलित है। बेलाकूर क्या है कि ये जंगलों को साफ कर दिया गया है, इसकी जगह द्वितीय श्रेणी के जंगल आ गए हैं या सेकेंडरी जंगल आ गए हैं जिनको हम बोलते हैं। उसमें कम पेड़ हैं और जो नीचे की घास है वो ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर जो एक और प्रमुख चीज़ है वो है प्लांटेशन कल्टिवेशन। प्लांटेशन जो थे वो अंग्रेज लाए थे। जैसे वो हिंदुस्तान में प्लांटेशन लाए थे टी के लिए, इंडिगो के लिए,
नील की खेती के लिए। इसी तरीके से विश्व में दो चीज़ों में खास प्लांटेशन आया था, एक रबर था, दूसरा कोकोआ था। रबर सबसे ओरिजिनल फॉर्म में, सबसे स्पष्ट फॉर्म में अगर हम देखें, स्पष्ट रूप में हम देखना चाहें तो हमें अमेजोन में मिलेगा, जो कि साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील में। वहाँ पर जो रबर मिलता है उसको पैरा रबर बोलते हैं। पर जो हम रबर लेते हैं प्लांटेशन में उसको नेचुरल रबर या हीविया ब्रेसियलिस बोलते हैं। तो जो वो हीविया ब्रेसियलिस होती है वो दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई गई है, मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है और दोनों ही लगभग विश्व को एक तिहाई हिस्सा रबर का देते हैं। दूसरी जगह जो है वो है ब्राज़ील, पर ब्राज़ील जो है वो रबर को निर्यात नहीं करता, वो रबर को एक्सपोर्ट नहीं करता। उसका प्रमुख कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। एक तो वहाँ पर बीमारियाँ बहुत हैं जो रबर ट्रीज पर फैल रही हैं, और दूसरा वहाँ पर कोई व्यापारिक संगठन नहीं है जो रबर का शोषण कर सके, जो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सके। तो वहाँ पर कोई भी ऐसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं है। अगला जो प्लांटेशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है कोकोआ। ये पश्चिमी अफ्रीका में देखा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में दो देश हैं, घाना और नाइजीरिया, जहाँ पर प्रमुख तौर से हम कोकोआ की खेती देखते हैं। ये दोनों ही प्रदेश गल्फ ऑफ गुएना के पास में लगते हैं। इसके अलावा जो हम खेती देखते हैं वो होती है नारियल की, कॉफ़ी की, शक्कर की, शुगर केन की, गन्ने की, तो ये सारी खेती होती है। अब जो एक और प्रमुख चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे वो है कौन से इलाकों में कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति रहती है। तो अमेजॉन अगर ब्राज़ील में हम देखें तो इंडियन जनजाति रहती है जो रबर इकट्ठा करती है, जंगली रबर, जो कि हमने अभी देखा पैरा रबर के नाम से जाना जाता है अमेजॉन में। कॉन्गो जो कि अफ्रीका में है वहाँ पर पिग्मीज जनजाति रहती है और ये नट्स इकट्ठे करती हैं। मलेशिया में औरंग असली जनजाति रहती है और ये गन्ने के उत्पाद बनाती है, गन्ने और शक्करकंद के उत्पाद बनाती है। अब क्या चीज़ें हैं जो भूमध्य क्षेत्रों में चीज़ों के विस्तार को रोकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ का मौसम, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना गर्म और इतनी बारिश रहती है, उसकी वजह से वहाँ पर लोगों में पसीना बहुत आता है और वहाँ पर काम करने की शक्ति कम हो जाती है। तो वहाँ पर जो खेती है, जो जंगलात हैं, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ पाई जाती हैं। दो मच्छरों से बीमारियाँ फैलती हैं, मलेरिया और पीला बुखार, जिसको येलो फीवर बोलते हैं। ये दोनों ही वहाँ पर बहुत प्रचलित हैं। जो पीला बुखार है ये सब बहुत ज़्यादा फैलता है अफ्रीका के जंगलों में और अमेजोन में, दो जगहों पर ये खास तौर से बहुत ज़्यादा पाया गया है। फिर है जो छोटे छोटे कीड़े पौधों पे लग जाते हैं, वो पौधों का तो नुकसान करते ही हैं, साथ में वो जानवरों पे और आदमियों पे भी असर करते हैं, इंसानों पे भी असर करते हैं। जो बीमारी फैलाते हैं उसका नाम है प्लेग, जो कि चूहों की वजह से कॉमनली पाई जाती है। फिर है कि ये जो जंगल हैं ये प्रगति को रोकते हैं किस तरीके से, वो हमें समझना पड़ेगा। अगर हम जंगलों को ऐसा ही रहने दें तो पेड़ों की पत्तियां गिरेंगी, पेड़ों की पत्तियां मिट्टी के ऊपरी हिस्से पे जमा होंगी और ये जो ऊपरी परत बनाएंगी इसको बोलते हैं ह्यूमस। ये जो ऊपरी परत होती है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। अगर इस ह्यूमस को हमने हटा दिया तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। तो अगर हम जंगल हटा देंगे तो ह्यूमस हट जाएगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है जो हमारे सामने है। और दूसरी चुनौती ये है कि इन जंगलों को अगर हम साफ करके वहाँ पर रास्ता बनाना चाहते हैं, वहाँ पर रोड लाना चाहते हैं, वहाँ पर ट्रेन लाना चाहते हैं, तो अगर हमने जंगल साफ किए तो सबसे पहली चुनौती तो ये है कि वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनका सामना करना पड़ेगा, जो कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चुनौती यहाँ पर ये है कि एक बार तो साफ कर दिया, पर क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी घास और इतने सारे वनस्पति उगती हैं, वो वापस बहुत शीघ्र उग जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपने रोड और रास्ता बनाया है उसको लगातार सतत मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर उन इलाकों में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, और वहाँ पे अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो उन चीज़ों को लगातार बनाए रखना और भी मुश्किल है। दो जगह हैं कॉन्गो और बोर्नियो
जहाँ पर आज तक भी कोई नवीनतम सुविधा नहीं आई है कम्युनिकेशन की। दूसरा प्रमुख है कि किस तरीके से मिट्टी ख़त्म होती जा रही है, वो हमने देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण खेती की वजह से और पेड़ों के कटने की वजह से जो ह्यूमस है, जो ऊपर की उपजाऊ परत है ज़मीन की, मिट्टी की, वो ख़त्म होती जा रही है। फिर जो दो प्रमुख चीज़ें हैं वो है लकड़ी कटना, लंबरिंग और पशुपालन। लंबरिंग, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि सारे पेड़, एक तरह के पेड़ एक साथ नहीं पाए जाते इन इलाकों में, पेड़ काटना बहुत ही मुश्किल है, तो लंबरिंग यहाँ पर होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी होने के बावजूद भी उस लकड़ी को काम में लिया जाना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा है पशुपालन। अब पशुपालन के लिए हमको चाहिए अच्छी घास, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और दूसरी प्रमुख चीज़ है, यहाँ पर ललांग होती है, जो ऊंची घास होती है वो बहुत ही खुरदरी होती है या कोर्स होती है, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही कम होता है। वो जानवर को अगर आप खिलाओगे भी तो उसको उतना लाभ नहीं देगी जितना देना चाहिए। तो इसी के लिए जो पशुपालन है वो ज़्यादातर सिर्फ किसके लिए किया जाता है, वो ज़्यादातर बोझा ढोने के लिए किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो पशु होते हैं उनमें तरह तरह की बीमारियाँ प्रचलित हैं। एक जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है टिस्टिस फ्लाई, जिसको नगाना भी कहते हैं। ये वहाँ के जो भी पशुपालन है उनमें पाई जाती है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो वहाँ का पशुपालन समाप्त सा हो जाता है। तो ये कुछ मेजर कठिनाइयाँ हैं, ये कुछ कठिनाइयाँ हैं जो भूमध्य क्षेत्रों में आती हैं। तो आज हमने देखा कि भूमध्य प्रदेश में क्या खास बात है, वहाँ की वनस्पति और वहाँ का तापमान किस तरीके से रहता है। आगे की कक्षाओं में हम और देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव भेजिएगा, ताकि हम आगे की कक्षाओं के लिए, आगे की क्लासों के लिए उनको ले सकें, आपके सुझावों पर गौर कर सकें। धन्यवाद।